बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ हमारा 19x52 जिसकी फ्रंट है वो हमारी 19 फीट है और जिसकी डेप्थ है वो हमारी 52 फीट है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2BHK सेट की रिक्वायरमेंट है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको भी अपना मैप बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम आपको मैप बना करके 24 घंटों में आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं। इस मैप को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने जो मेन गेट इनका दिया हुआ है वो हमने 8 फीट का दिया हुआ है। आप यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं आपको सामने ही देखने को मिलता है पोर्च जिसका साइज़ हमने दिया हुआ है इनको 8 फीट बाय 14 फीट 3 इंच का हमने इनको पोर्च दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी कार की पार्किंग हो जाएगी और बाइक वगैरह आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलते हैं आपको 3 फीट का स्टेयरकेस यानी कि जीना देखने को मिलता है जिससे कि आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं। ये हमने एल साइज़ का दिया हुआ है। उसके बाद आप इधर आते हैं तो 4 फीट 9 इंच का आपको ओपन फ्रंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं और इसके सामने ही आपको देखने को मिलती है WC जिसका डोर हमने 3 फीट बाय 4 फीट का दिया हुआ है। उससे आप आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है ड्राइंग रूम जिसका डोर हमने यहाँ से 3.5 फीट का वो 3 फीट 3 इंच का दिया हुआ है। ड्राइंग रूम का साइज़ है आपका 9 फीट 10.5 इंच बाय 12.5 फीट का ड्राइंग रूम बनाया गया है। इस ड्राइंग रूम में आपको एक और डोर देखने को मिलता है जो कि आपको अंदर लॉबी में लेकर के जाता है। इस ड्राइंग रूम के बात करें अगर वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 फीट की विंडो लगा दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। उसके बाद आप इस डोर से भी अंदर जा सकते हैं और आप ड्राइंग रूम के इस डोर से भी अंदर जा सकते हैं। तो जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको देखने को मिलता है सबसे पहले बाथ का डोर जो कि हमने 2.5 फीट का दिया हुआ है ये डोर और इसका साइज़ है हमारा बाथ का 4 फीट 1.5 इंच बाय 6 फीट की हमने बाथ बनाई हुई है। बाथ के आप इधर चलते हैं तो आपको देखने को मिलती है लॉबी। लॉबी का साइज़ हमने दिया हुआ है यहाँ पर इनको 12 फीट 10.5 इंच बाय 16 फीट 3 इंच की हमने ये लॉबी दी हुई है। लॉबी का साइज़ यहाँ से 13 फीट 9 इंच है और यहाँ से 12 फीट 10.5 इंच है। लॉबी के आप इधर देखते हैं तो आपको किचन जो कि 20 से ओपन है देखने को मिलता है। यहाँ पर किचन का साइज़ हमने दिया हुआ है इनको 5 फीट बाय 9 फीट 10.5 इंच का ये किचन बनाया गया है और इस किचन में आपको देखने को मिलती है एल साइज़ की स्लेब जो कि हमने डाली हुई है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो लगा दी गई है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए। उसके बाद आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है। इनकी रिक्वायरमेंट है 2BHK सेट 2 बेडरूम चाहिए तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जिसका डोर हमें 3.5 फीट का दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 8 फीट 10.5 इंच बाय 11 फीट का बेडरूम बनाया गया है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो लगा दी गई है और इसी के साथ आपको एक डोर देखने को मिलता है जो कि आपको ओपन एरिया में पीछे की तरफ लेकर के जाता है। इस बेडरूम में इनकी रिक्वायरमेंट थी अटैच टॉयलेट होनी चाहिए तो टॉयलेट के लिए हमने ये डोर दे दिया है इनको। टॉयलेट का साइज़ है इनका 5 फीट बाय 4.5 फीट की यहाँ पर हमने इनको टॉयलेट भी दे दी है जो कि बेडरूम से अटैच है। तो अब चलते हैं सेकंड बेडरूम पर। सेकंड बेडरूम का डोर हमारा ये रहा 3.5 फीट का। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 9 फीट बाय 11 फीट का ये बेडरूम बनाया गया है। बात करें अगर हम इसमें वेंटिलेशन की तो उसके लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दी है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन हो जाए और इसी के साथ आपको टॉयलेट भी अटैच देखने को मिलती है इस बेडरूम से तो जिसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 फीट का डोर दे दिया है। टॉयलेट का साइज़ है इसका 5 फीट बाय 4.5 फीट की टॉयलेट हमने बना दी है इनको। तो दोनों बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है। 19x52 के प्लान में आपको सभी कुछ बता दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट से मैच होती हैं तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफिल करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं विदिन 24 आवर्स में और आप हमसे जब तक चेंजेस करवा सकते हैं जब तक वो आपको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।